हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं अपने पौधों की सफाई करने बैठी हूँ। अपने हाथ से काम करके सेटिस्फेक्शन तो मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो माली आता है, कर जाता है, लेकिन वो अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से करता है। जैसे हम कहते हैं वैसे नहीं करता। तो पौधों के अंदर छोटे छोटे से घास उग गया है, छोटे छोटे अलग से पौधे उग गया है। उन सबको मैं निकाल के बाहर करूंगी और अपने पौधे साफ करके इनको ठीक लगाऊंगी फिर से। ये ना पौधों के बीच में ये छोटे छोटे से ये पौधे, ये अनवांटेड वीड्स उग जाते हैं, तो इन्हें हमें टाइम टाइम पर धीरे धीरे पौधों में से निकाल देना चाहिए। क्योंकि क्या है कि मेन जो हमारा प्लांट होता है ना, उसका सारा न्यूट्रिशन ये खा जाते हैं। तो उनको हम देखते रहते हैं कि भाई कोई फालतू चीज़ तो नहीं निकली है। ये पौधा, ये तुलसी मेरी एक सूख गई थी, मुझे लगा था अभी दोबारा इसमें पत्ते आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सुबह धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो मैं ज़्यादा देर काम नहीं कर पाई यहाँ पे। अब इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले पानी दे के छोड़ दिया था। मिट्टी बिल्कुल नरम हो गई है, इसमें से अभी आराम से ये चीज़ें, घास वास, छोटे छोटे ये जो के आ गए हैं, ये सब निकल जाएंगे। करी पत्ता तो अच्छा हो गया है, इसके और भी कहीं पर छोटे छोटे बीज गिरे होंगे। बहुत सारे गमलों में इसके साथ आसपास जितने गमले रखे हैं, सब में छोटा छोटा करी पत्ता निकले आया है। तो इसको मैं सोचती हूँ निकाल के सारे एक ही गमले में भर देती हूँ। अपने घर के छोटे छोटे काम हमें अपने हाथ से करते रहना चाहिए। हमें पूरी तरह से किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो जाना चाहिए। हम उसको मालिक को फोन करते रहो, भैया आ जाना, कर जाना, हाँ जी आऊँगा, आ जाऊँगा, कल आऊँगा, इतने दिन हो गए बोलते हुए। बहुत सारे ये इकट्ठे हो गए हैं और एक आधे गमला तो ऐसा है उसमें पूरा सूख चुका है वो, तो उसको भी हटाने का थोड़ा सा ये देखिए। ये दूसरा एक गमला था, उसमें तुलसी के बीज गिरे होंगे, उसमें तुलसी उग गया। ये जो मेन तुलसी हमने लगा रखी थी वो तो पूरी सूख गई, लेकिन ये नई तुलसी निकली आई है, तो इसे मैं निकाल के उसी तुलसी वाले गमले में लगा देती हूँ। करी पत्ते की कटिंग हमने कर दी थी पहले, तो उस टाइम बहुत अच्छा करी पत्ता निकल के आ गया है। ये देखिए कितनी ऐसी जो घास निकल निकल के आ जाती है, जो कि सब मिट्टी को भी खराब करती है और पौधों को भी बढ़ने नहीं देती। इसे टाइम टाइम पे अपने गमलों में से निकाल के खाली कर देना चाहिए। सब छोटे छोटे मैंने निकाल दिए हैं। ये जो पौधा सूख गया है इसको भी बिल्कुल सूख चुका है, इसको खाली कर देते हैं गमले को, इसमें कोई और प्लांट लगाने के काम आ जाएगा। ये मुझे पहले ही जब माली आया था मुझे लग रहा था कि ये मर जाएगा पौधा, इसमें बहुत कीड़ा लग गया था। उसे कहा था इसी टाइम कि भैया इसको निकाल दो, वही है ना, ये लोग सुनते नहीं है, अपनी मर्जी से करते हैं। जैसे इन्हें नहीं जी ठीक है जी, वो अपने पैसे बना के क्षमता बना, दवाई डाल दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, अरे बेईमानी की भी हद है। वैसे मुझे 10 पैकेट डाले हैं जी, मैंने खाद डाली है, मिट्टी डाली है, यूरिया डाला है, दवाई डाली है। उसके जाने बाद मैंने सफाई करी, 3 पैकेट निकले कुल। फिर लो भरोसा इन लोगों पर, और या फिर हर वक्त खड़े रहो उनके सिर पे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि खुद ही कर लो। तो सोचो एक प्लांट कटर भी लेके आऊँ, ला के रखो, ताकि कभी कभी उनकी ट्रिमिंग करनी होगी तो खुद से ही कर लूँगी। मैं अपने काम अपने हाथ से करने में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, मैं ज़्यादा किसी के ऊपर भरोसा नहीं करती अपने कामों के लिए। इवन अपने अपने घर वालों को भी कहते रहो, किसी को हस्बैंड को बोलते रहो सुनो ये करना है करवा दो, और
बार बोलते रहो, बेटे को बोलो, वो अपने कामों में भी बेचारा बिजी होता है। और हाँ, आज आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, वो काम मेरे रह ही जाते हैं। अंत में होता क्या है, वो करना मुझे ही पड़ता है। तो इससे अच्छा मैंने ये बना लिया है अपना उसमें कि किसी को बोलो ही मत, खुद ही कर लो। पहले ये गमला मैंने कर दिया खाली, और इसमें मैं इंग्लिश रोज लगाऊंगी। हमारे नीचे जो नए नेबर्स आए हैं उनके पास बहुत सुंदर इंग्लिश रोज है, उनसे लेके आऊंगी एक स्टैम्प कटिंग, वो लगाऊंगी मैं इसमें। ये मैंने सारे पौधे जो हैं अपने काटा पीटी करके सब निकाल के साफ कर दिए, सारे इसमें जितनी भी वीड्स थी वो सभी मैं निकाल दी। ये जो अपना गमला छोड़ के तुलसी इधर उधर उगी आई है ना, इसको निकाल के मैं वापस उसी के गमले में प्लांट कर देती हूँ। तो आप लोगों को भी मैं ये कहूँगी कि आपके अपने जितने काम आप खुद कर सकते हैं उतना खुद ही करिए। अपने घर के काम करने में कोई शर्म नहीं होती। आजकल बच्चे समझते हैं कि हम क्या नौकर हैं क्या काम करें। अरे अपने घर में काम करने में कोई नौकर थोड़ी बन जाता है, किसी और का घर थोड़ी है, किसी और का काम थोड़ी है, अपना है। चलिए सफाई हो गई है, अब मैं अपनी तुलसी को इसमें से निकाल के बड़े गमले में प्लांट करूंगी। तब तक के लिए बाय। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे पौधों में से मैंने निकाल के वो छोटी छोटी घास और वो सब जो वीड्स उग गए थे वो सब निकाल के सारे अपने प्लांट्स जो थे वो क्लीन कर दिए हैं बिल्कुल। ये एक गमला बिल्कुल खाली हो गया, अब इसके अंदर हम कोई और प्लांट लगा लेंगे। अभी आज की ड्यूटी हो गई है, बाकी कल हम नए प्लांट्स लेके आएंगे फिर इनमें लगाएंगे। ये तो थी प्लांट्स की बात, ऐसे ही हमारी लाइफ में भी कोई अनवांटेड वीड्स आ जाए अगर आसपास, तो उन्हें ज़्यादा पनपने नहीं देना चाहिए, धीरे धीरे सबको जड़ से हटा देना चाहिए ताकि हमारी लाइफ भी स्मूथली चलती रहे। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना हाथ जगन्नाथ वाली पॉलिसी अपनाएं, अपने काम खुद करें, किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। बाय।